हेलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह इस तरह से रेडी होके कहाँ जा रहे हैं हम। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हम जा रहे हैं सर के ऑफिस, क्योंकि सारी फैमिलीज़ वगैरह इनवाइटेड हैं। तो हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। अभी बज गए हैं लगभग 8 और हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। मेरा आउटफिट ये है, मैं ये पहन के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। और वहाँ का ब्लॉग जितना होगा पॉसिबल मैं करूँगी, क्योंकि पहले तो मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। और बाकी फिर हर इंसान कंफर्टेबल भी नहीं होता है, और फिर ऑफिस वगैरह में कैसा माहौल है अभी मुझे पूरी तरह से पता भी नहीं है। तो इसलिए मतलब फिर अभी ब्लॉग का मैं नहीं कह सकती। हाँ, जितना मैं जाने से पहले जो जो होगा, जाने के बाद जो जो होगा, या कुछ फ़ोटोज़ ले पाऊँगी वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। मैं भी ऐसे फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपको नीचे जाके, क्योंकि हम जा रहे हैं हर सर के घर, उन्हीं के साथ जाएंगे। तो यहाँ से हम गाड़ी से जाएंगे और उनके घर पे पार्क कर देंगे, और फिर वहां से उनके साथ निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको हर सर के घर। तो रास्ते में गाइस मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, और डायरेक्ट हम पहुंच गए हैं सर्कल ऑफिस सर के, क्योंकि इतना जल्दी में थे, टाइम भी हो रहा था। तो बस नीचे ही भैया हम लोग को मिल गए, तो हम लोगों ने बाइक पार्क करके उनकी सोसाइटी में, और आ गए उनके साथ कार से। एक्चुअली भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो दो दो कार लाने का कोई मतलब नहीं था, तो हम दोनों उनके साथ ही आ गए। और ये देखिए, डेकोरेशन सच में बहुत अच्छी थी। और एक होता है ना कि स्कूल के बाद मैं भी इन चीज़ों में मतलब फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, स्कूल में ही ये सब चीज़ें सेलिब्रेट होती थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब माहौल ही एक बहुत पॉजिटिवनेस थी, माहौल में ही बहुत पॉजिटिविटी थी, जिसे देख के सच में बहुत अच्छा लगा था। मतलब अपने स्कूल टाइम वगैरह का याद आ रहा था कि अपने स्कूल में थे तो कितने अच्छे से सारी चीज़ें करते थे। और एक जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी वो ये है कि अक्सर हम लोग क्या होता है, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, और जब ऐसी चीज़ों के लिए एक अलग मोटिवेशन होती है। वैसे मेरी आँख नहीं खुलती है, बट आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और जब उठ के सुबह जाओ तो बाहर का माहौल बहुत अच्छा लगता है, और पूरे रोड्स वगैरह पे भी, मैं क्लिप तो नहीं ले पाई लेकिन रोड्स वगैरह पे भी अच्छी खासी सजावट थी, और बहुत सारे बच्चे जा रहे थे रैलीज़ में स्कूल की, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, अपने बचपन की याद आ रही थी। और यहाँ सर्कल हेड सर सर्कल ऑफिस के बाहर झंडा फहरा चुके हैं, और अब आगे इनकी स्पीच है, चलिए सुनते हैं। आतंका हमारे जो पत्र में 77 स्वतंत्रता दिवस पे आतंका मंडल कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है सभी फैमिली को यहाँ देख के। और दोस्तों, हम शायद स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन शायद बच्चों को तो भी पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ाया कि हमने स्वतंत्रता हासिल कैसे की। हमारे यू नो फोर फादर्स ने, हमारे यू नो एल्डर्स ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी कि हमने स्वतंत्रता हासिल की है। हमारा सभी का फर्ज बनता है कि इस स्वतंत्रता का आनंद लें और इस स्वतंत्रता का सही मायने में इस्तेमाल करें। पंजाब में हम सभी पंजाब नेशनल बैंक के कार्य करता है, हम सभी पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। हमारा फर्ज है सभी का कि हम पंजाब नेशनल बैंक को और अपने देश को नई नई तरीके पर देखें। हमारे बैंक का एक मोटो होता है, नेशन फर्स्ट, सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद के फर्स्ट है। और एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा अपना काम सही ढंग से करना, जो भी काम उसके बाद से, सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा अपना काम जो भी मुझे दिया गया, सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा अपना काम सही ढंग से करना। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय दीवानों की टोलियां खून से अपने लिख देंगे हम दीवा, इनकलाब की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जैसा कि आपने देखा, कई सारे स्टाफ के बच्चे भी परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और इस बच्चे ने एक बहुत ही अलग चीज़ परफॉर्म करी, इसने डिटॉल के एड को परफॉर्म करा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप ना करें और इसे पूरा सुन सकते It's part of them.
और यहाँ जानवी को देखो, ये बच्चा पहले इसको कार दे रहा था तभी ले नहीं रही थी, अब इसने ले लिया तो उसको नहीं दे रही, और वो इर्द गिर्द बेचारा इतना घूम रहा लेकिन उसको कार नहीं दे रही। दे दो उसकी कार वापस, दे दी, दे दो, नहीं बाप रे, दोनों हाथ से दे दो, दे दो उसको, दे दो, नहीं दोगी, तो बस सारी प्रोग्राम और परफॉर्मेंस जो होनी थी वो हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, स्नैक्स वगैरह जो रखे गए हैं, नाश्ता वगैरह रखा गया है ऊपर है वो मीटिंग रूम में, तो हम बस वहीं पे जाके स्नैक्स वगैरह लेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जलेबी लेके आओ। हाँ। क्या चाहिए? जलेबी लेके आओ। सारे बच्चे भैया, उनकी अच्छा नेचर था इनका भी, और बस यहाँ से निकल गए। और ये देखिए किस तरह का जोश है हम सब भारतवासियों में आज के दिन, तो इन सबको भी देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने छोटी सी क्लिप इनकी ऐड कर ली है। और बस अब इसी के साथ आज इस ब्लॉग को हम करेंगे ख़त्म, और अब आएगी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।